नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्रोशिया का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके लिए लाई हूँ, जिसे आप कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, शॉल में, स्टॉल में, शर्ग में, बच्चों के स्वेटर में, फ्रॉक में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बनाए, ये सब में बहुत ही सुंदर लगेगा और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। इसे बनाने के लिए आप आवश्यकता अनुसार चेन बना लें। अगर चेन लंबी हो जाएगी तो हम इधर से इसे छोटा कर लेंगे। तो चेन बनाने के बाद एक बल लें और ऐसे तीसरे वाले इसमें हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो, तीन और चार। उसके बाद इसको तीसरे वाले चेन में देखिए, एक दो, तीसरे वाले चेन में इसे सिंगल क्रोशिया से ऐसे अटैच कर लेंगे। और उसके बाद एक बल लेंगे और फिर एक दो तीसरे चेन में तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन। फिर बल लेंगे और इसके अगले वाले चेन में तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन। फिर बल लेंगे और इसके आगे वाले में यानी अगले चेन में फिर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो और तीन। इस तरह हमने यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बनाया है। फिर इसके बाद इसे ऐसे चेन से अटैच करेंगे, फिर बल लेंगे और एक दो तीसरे वाले चेन में हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन। फिर नेक्स्ट वाले में तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन, 6 हो गया। फिर हमको यहाँ पे 9 बनाना है, यानी अगले चेन में हम फिर तीन बनाएंगे, एक दो और तीन। और फिर इसे हम चेन से अटैच कर लेंगे। फिर और बल लेंगे और तीसरे वाले में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो तीन और चार। ये हमारा बेस लाइन तैयार हो गया। तो इसी तरह हमें जितनी लंबा चाहिए उतना लंबा हम तैयार कर लेंगे। और इधर वाले जो चेन हैं उनको हम खोल के खोल देंगे। देखिए आसानी से खुलता जा रहा है, ऐसे हम खोल देंगे, इसको ऐसे खींच देंगे। अब ये हमारा बेस लाइन तैयार है। और अब दो चेन लेंगे और यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चेन लेंगे और फिर इसी जगह पे एक और डबल क्रोशिया, फिर दो चेन बनाएंगे और इसको यहाँ सेंटर से अटैच कर लेंगे। फिर दो चेन बनाएंगे और यहाँ पे जहाँ कर्व है यहाँ पे हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है और दोनों के बीच में दो चेन रहेगा। फिर दो चेन बनाएंगे और यहाँ पे सेंटर में इसे अटैच कर लेंगे। फिर दो चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक बनाया, फिर दो चेन लिया और फिर इसी जगह पे
एक और डबल क्रोशिया, फिर दो चेन बनाएंगे और यहाँ पे इसे अटैच कर लेंगे। हमारा ये पहला लाइन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब दूसरे डबल कलर में हम यहाँ पे अब दूसरा कलर अटैच कर लेंगे, लेकिन ये वाला हम सिंगल कलर बना रहे हैं इसलिए अब इसी पर हम कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे जहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाया है, देखिए दो डबल क्रोशिया बनाया है, बीच में दो चेन बनाया है, यहाँ पे हम 9 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 9 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसे हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो हमने दो डबल क्रोशिया बनाया है, बीच में यहाँ पे स्पेस है, इसमें हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और फिर इसे हम यहाँ देखिए ये जो यहाँ पे इसे हम अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। और फिर इस स्पेस में हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 8 9, और फिर यहाँ पे हमें इसे अटैच कर देना है। उसके बाद और फिर यहीं पे दो चेन बनाएंगे, एक बल लेंगे और यहाँ पे दो डबल यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर दो चेन बनाएंगे और यहाँ पे पांचवे वाले में इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशिया से, फिर दो चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और उनके बीच में दो चेन, एक डबल क्रोशिया बनाया, दो चेन बनाया, फिर यहीं पे एक और डबल क्रोशिया, फिर दो चेन बना के इसे पांचवे वाले में 1 2 3 4 5वे वाले में इसे हम अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से, फिर दो चेन बनाएंगे, एक बल लेंगे और यहाँ पे हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, एक बनाया, दो चेन लिया, फिर इसी जगह पे एक और डबल क्रोशिया, फिर दो चेन लिया, फिर इसको हम पांचवे वाले में 1 2 3 4 5वे वाले में इसे अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से, फिर दो चेन बनाएंगे और यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर दो चेन बनाएंगे और फिर यहीं पे एक और डबल क्रोशिया। अब इसको पलटेंगे, एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे हमें फिर से पहला लाइन शुरू कर देना है, यानी यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और 4। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे हम जहाँ पे हमने पिछली बार अटैच किया था वहीं पे हम इसे फिर से अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। और फिर यहाँ पे देखिए ये जो स्पेस है इसमें हमें 9 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 9, और फिर इसे यहाँ पे जहाँ हमने अटैच किया था वहीं पे इसको भी अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर एक बल लेंगे और जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया है यहाँ पे हमें 9 डबल क्रोशिया बनाना है।
आठ, नौ, और इसे वापस ज्वाइन कर लेंगे। और यहाँ पे जैसे साइड में हमने चार डबल क्रोशिया बनाया है, इसी तरह हमें दूसरी साइड में भी चार डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे जो स्पेस है इसमें हमें चार डबल क्रोशिया बनाना है, एक, दो, तीन, चार, और फिर हमें वापस मुड़ जाना है। दो चेन बनाएंगे, एक बल लेंगे और यहाँ पे हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर दो चेन लिया और फिर इसी में दूसरा डबल क्रोशिया, फिर दो चेन लिया, फिर इसको हम पांचवें वाले चेन डबल क्रोशिया में इसे अटैच कर लेंगे। फिर दो चेन बनाएंगे और यहाँ पे हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाने के बाद फिर दो चेन लेंगे और फिर यहीं पे एक और डबल क्रोशिया, इस तरह दो डबल क्रोशिया के बीच में यहाँ पे दो चेन बन गया या स्पेस बन गया, ताकि अगली बार यहाँ पे हमें नौ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर दो चेन लेंगे और इसे पांचवें वाले डबल क्रोशिया में इसे अटैच कर लेंगे। फिर दो चेन लेंगे और फिर यहाँ पे हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाने के बाद फिर दो चेन, फिर यहीं पे दूसरा डबल क्रोशिया, फिर दो चेन और इसे यहाँ टॉप में चौथे वाले पे अटैच कर लेना है। और फिर हम टर्न करेंगे और फिर ये दूसरा वाला लाइन बनना शुरू हो जाएगा, यानी दो लाइन ये रिपीट होता जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने सिंगल कलर में बनाया है इसे, और इसे मैंने डबल कलर में बनाया है, और फिर इसी डिज़ाइन को यहाँ पे मैंने मल्टी कलर में बनाया है। इस यहाँ पे मैंने तीन कलर इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो ज़्यादा कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मल्टी कलर, ये डबल कलर, ये सिंगल कलर, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो सिंगल कलर, डबल कलर और ये मल्टी कलर, आपको जिस तरह भी जैसे भी बनाना हो आप बना सकते हैं। डिज़ाइन एक है, देखिए डिज़ाइन एक ही है, लेकिन यहाँ पे हम अपने मुताबिक इसे कैसे भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में अप्लाई कीजिए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।